आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई और जिसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा निर्णय है कि 40 लाख लोग जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं उनको मालिकाना हक देने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसकी जानकारी बाद में हरदीप पुरी जी देंगे। बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि दिल्ली के 40 लाख जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, नागरिक है हमारे, उनको जहां रहते हैं वो जमीन चाहे निजी हो या सरकारी हो उसको मालिकाना हक को उनको मिलने का फैसला हुआ है, तो उसके बारे में हरदीप पुरी जी। प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जानकारी होगी कि 1947 में दिल्ली की जनसंख्या जो थी 8 लाख थी, पार्टीशन के बाद 11 लाख और रेफ्यूजीज आए, मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स परिवार समय। आज दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। समय फ्रॉम टाइम टू टाइम ये डिमांड आई है कि जो लोग एज अ रिजल्ट ऑफ रोबस्ट ऑटोनोमस अर्बनाइजेशन जो बाकी शहरों से यहां आते हैं या ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में आते हैं और जहां पे उनको रोजगार मिलता है वहीं बस जाते हैं और एक किस्म की अनऑथराइज कॉलोनीज आ जाती हैं, इनके बारे कुछ किया जाए। द लास्ट अटेम्प्ट वॉज मेड इन 2008 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA दे ड्रू अप सम रेगुलेशंस विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट और 11 साल 2008 के बाद द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है दे हैव बीन एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ ईदर रेगुलराइजिंग दीज कॉलोनीज और डूइंग समथिंग टू एमिलियोरेट द लिविंग कंडीशंस देयर बिकॉज द रियलिटी इज इन कॉलोनीज में अनसेफ स्ट्रक्चर्स बन गए हैं और क्योंकि ये अनऑथराइज्ड हैं कोई केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई उनको फैसिलिटीज या सुविधाएं देने में मुश्किल पड़ती है। ये कॉलोनीज कई जगह में है जैसे दिल्ली के शहर के आउटस्कर्ट्स में नजफगढ़ कंजावाला नरेला जहां से बाकी जगह से नोएडा गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद से लोग आके करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया था September 3, 2017 को और 2017 सितंबर से अभी तक लेके मैंने कई अटेम्प्ट्स किए हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इंकरेज करें कि वो कुछ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करने में और इसको बात को आगे बढ़ाने में। एक हाईकोर्ट की अध्यक्षता हाईकोर्ट के डिसीजन से एक कमेटी भी फॉर्म हुई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे मंत्रालय में जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में जब उन्होंने काम इस पे शुरू किया तो दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्हें 2 साल और चाहिए। जब हमने देखा 2018 में कि तो ये 2021 तक समय मांग रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिल्ली सरकार इस पे कुछ नहीं करेगी। सो वी डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द इनिशिएटिव एंड जो जावड़कर जी ने बताया आपको अभी कि दिल्ली में जो ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी में मेरे हिसाब से 40 लाख से अधिक है, द एक्चुअल पॉपुलेशन में बी क्लोजर टू 50 लाख रादर देन 40 लाख एंड आई एम बेसिंग माई सेल्फ ऑन द फीडबैक दैट आई गेट। दे लिव इन अनसाउंड स्ट्रक्चर्स वेयर देर हैव बीन ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज और आखिर में जन GNSTD सॉट टाइम अप टू 2021 इवन टू कैरी आउट द बेसिक एक्सरसाइज ऑफ डेलिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि हमने उनसे यह कहा था कि आपने एक्सरसाइज जल्दी खत्म करिए कि हम इस इशू को आगे ले जा सके। तो हमें जब इन्होंने बताया कुछ महीने पहले कि जिस कंपनी को इन्होंने इंप्लॉय करना है
टू कंप्लीट दिस टास्क ऑफ डिलिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, वो कंपनी अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुई. दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू मूव अहेड. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस मिनिस्ट्री, बट आप दिल्ली का 1947 के बाद इतिहास देखिए. आई थिंक ये जो निर्णय लिया गया है, इट इज द मोस्ट फार साइटेड प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट हैज बीन टेकन. व्हाट इज इलीगल और अनऑथराइज्ड कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड इन द कन्वेंशनल वे. सो द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजंस दैट ओनरशिप राइट्स विल बी कन्फर्ड to the people who are living there, whether they are living on private land or on government land, because many of these transactions have taken place on the basis of general power of attorneys or some other documentation. But not only have we decided to go ahead and confer these rights, which will enable the inhabitants of these colonies to apply for permission, to raise the FAR, to build, to sell, all manner of transactions. Take loan. Because if you go to a financial institution, a bank, and ask for a loan to build, let's say, or to construct, and the person asks you, where is your tenement? You say, it's an unauthorized colony. The discussion stops there. So, not only to do that, but having regard to the fact that most of these inhabitants belong to the low-income groups, these rights will be confirmed on the payment of नॉमिनल रेट्स. ये नॉमिनल रेट्स क्या है? अगर तो प्लॉट साइज हो 100 स्क्वायर मीटर से कम का, तो द रेट चार्ज्ड विल बी 0.5% ऑफ द सर्कल रेट. जो भी सर्कल रेट उस एरिया का है, उसका 0.5%. 100 सो 200, अगर 100 से 250 स्क्वायर मीटर का हो या ग्रेटर हो, अगर 250 से ऊपर, तो रेट विल बी प्रोग्रेसिवली 0.5%, 1% या 2.5%. तो हमने कैलकुलेशन शीट्स आज इनफॉर्मली कैबिनेट के मीटिंग की प्रेपरेशन में जो हमने की थी, जो उनको देना पड़ेगा चार्ज इज वेरी नॉमिनल. सो दिस इज इन वन स्वीप ऑल द रेजिडेंट्स, वेदर देयर आर वेकेंट प्लॉट्स और देयर आर कंस्ट्रक्शंस on government land or on private land, on the basis of basic documentation jo ho, to this will be effected and the work will start immediately. I want to clarify, isme jo humne pehle identify ki thi, usme 1797 aisi unauthorized colonies thi. These 1797 colonies do not include 69 affluent colonies, and they also do not include those colonies which could be said to be falling under forest land, protected land, under the master plan. Jinko sab aap mila lein, ye jo affluent colonies hain ya forest land wali hain, batao unke naam bhi bata dunga. Unpe is bahut mashhoor naam hai, usme aisa hai, teen to hai ye सैनिक फार्म, अनंतराम डेयरी, मैं इनको सब मालूम है, पर मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिसको भी चाहिए हो मैं करूंगा. अच्छा, अब आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे उनको क्यों नहीं किया. मेरा उसका माय आंसर क्वाइट सिंपली इज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट इज टू फर्स्ट डील विद द इशू ऑफ दोज हु बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप्स जो इन 1797 में रह रहे हैं, एंड वी विल एड्रेस द इशू ऑफ दोज 69 कॉलोनीज. 66 जो आइडेंटिफाइड है उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, और तीन जो ऐड किए हैं रविशंकर जी जो बता रहे हैं. सो दिस इज द ब्रॉड स्कीम. इसमें लिबरल डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स विल बी प्रोड्यूस फॉर सच कॉलोनीज बाय द DDA, और इसमें इंसेंटिवाइज होगी रीडेवलपमेंट. मैं सिर्फ इस समय यही कहना चाहूंगा, और देखिए बाकी हमने दिल्ली के बारे जो फैसले लिए हैं, लैंड पूलिंग, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर, सर्टनली दोज फॉलो माई ऑन द बीट ऑफ माई मिनिस्ट्री, जिसके तहत कोई 17 लाख आवास बनेंगे. इसमें 40 लाख से अधिक हमारे नागरिकों को ये राइट्स कन्फर होंगी, और अगले आने वाले दिनों में हम कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे. सो आई कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस फॉर द मोमेंट. क्वेश्चन.